दोस्तों आज की वीडियो में बताने वाले हैं आप लोगों को ग्रैंड मास्टर के अंदर VFX वीडियो और A to Z वीडियो एडिटिंग कैसे सिखाऊं, जैसे कि आप लोग के पीछे का बैकग्राउंड कैसे बदल सकते हो, म्यूजिक को बदल कैसे करते हैं, कलर बदलना या आपको ब्लर लगाना हो, म्यूजिक साउंड को बदलना हो, आप लोग का पूरा A to Z वीडियो एडिटिंग इस ग्रैंड मास्टर के अंदर में ही बताऊँगा। और इस वीडियो में ग्रैंड मास्टर का वाटर मार्क भी हटाना सिखाऊँगा कि आप लोग अपने मोबाइल फ़ोन से ही ग्रैंड मास्टर का वाटर मार्क किस तरह से हटा पाओगे और ग्रैंड मास्टर के अंदर फुल HD और हाई क्वालिटी एक वीडियो एडिटिंग कैसे बना सकते हो जो आपका चैनल जल्दी से जल्दी बूस्ट हो जाए और आपका वीडियो सही ऑडियंस के पास जाए और आपका वीडियो पे ऑडियंस रुक के आपका वीडियो देखे। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट जरूर से देखना क्योंकि इस वीडियो में आप लोग का सही वीडियो एडिटिंग ट्यूटोरियल में बताने वाले हैं। तो इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना क्योंकि इस चैनल पे ऐसे ही वीडियो आप लोगों को देखने के लिए मिलता है। तो वीडियो को चलते हम स्टार्ट कर लेते, फटाफट से मोबाइल के स्क्रीन पर चलते हैं। आपको आ जाना है ग्रैंड मास्टर के अंदर और आपको आते ही ऐसा कुछ इंटरफेस देखने को मिलेगा और यहाँ पे क्रिएट न्यू पे क्लिक करना है और YouTube के लिए 60.9 ASIO सिलेक्ट करना है। जैसे कि आप शॉर्ट्स बना रहे हो तो 9.16 को सिलेक्ट करना है। चाहते हो आपकी फेसबुक रील्स बनाते हो या फेसबुक पे वीडियो डालते हो तो उसके लिए 1.1 बनाना है और ये आप लोग का कोई काम नहीं है, आप लोग 3 प्लेटफॉर्म पे ही आप लोग काम कर सकते हो। तो इसके लिए यहाँ पे क्रिएट करना है, जैसे कि मैं YouTube के लिए सेलेक्ट किया हूँ। आप चाहते हो तो यहाँ पे Instagram के लिए रील्स बनाओ या YouTube शॉर्ट्स के लिए बनाओ या Facebook शॉर्ट्स के लिए बनाओ, तो यहाँ पे इस सब का काम होता है। और मैं YouTube के लिए बना रहा हूँ तो यहाँ पे क्रिएट पे करना है क्लिक और यहाँ पे कुछ आप लोगों का ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा, जैसे कि आप लोग के मोबाइल में जितने भी गैलरी में होगा वीडियो फोटो आप लोग के यहाँ पे मिलेगा और आपको जो भी वीडियो सिलेक्ट करना है वो आपको सिंपली से यहाँ पर कर लेना है। जैसे कि मैं कोई वीडियो आपको दिखा रहा हूँ, आपको सिखाने के लिए मैं ले रहा हूँ, तो यहाँ पे आपको जो वीडियो दिया हूँ वही सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे इस पर क्लिक कर देना है। कोई भी आप कैमरा से वीडियो शूट किए हो तो आपको ऐसा ही इंटरफेस देखने को मिलेगा और लोडिंग होगा, कुछ समय लोडिंग होगा आप फिर आपको वीडियो यहाँ पे दे देगा। ऐसे ही वीडियो देखते हो तो इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना क्योंकि भैया वीडियो बहुत मेहनत से बनता है और आप लोग के ही लिए बनाते हो और ये वीडियो अब होने वाला है आप लोगों के लिए। लोडिंग हो चुका है, थोड़ा सा समय बाकी और है, ये लोग कंप्लीट भी हो चुका है और यहाँ पर मेरा वीडियो जो है दिखाने लगा। और आपको वीडियो देखते ही आपको यहाँ पर कितने स्क्रीन पर सेटिंग जो है आपको देखने के लिए मिलता है, तो आपको एक एक करके मैं आप लोगों का पूरा सेटिंग बताता हूँ। मैं पहले आपको वीडियो को छेड़खानी क्या करना है, जहाँ से आप शुरू वीडियो किए हो, जहाँ से बोलना वहाँ से आपको वीडियो सिलेक्ट कर लेना है और जो फालतू पार्ट है उसको काट कर हटा देना है। तो पहले मैं जो फालतू है उसको मैं काट देता हूँ और जो है काम का वो मैं रख लेता हूँ। जैसे कि यहाँ से फालतू पार्ट है तो मैं इसको यहाँ से काट कर हटा दूँगा और यहाँ पे सिलेक्ट करते ही यहाँ पे कैंची वाले आइकन को क्लिक करना है और यहाँ पे देख सकते हो कि लेफ्ट राइट और ये बीच का है और ये फ्रीज करने वाला है, तो मैं लेफ्ट का काट रहा हूँ तो यहाँ से ऊपर वाले को क्लिक कर देना जो मेरा लेफ्ट का कट चुका है। और आपको राइट को काटना है तो यहाँ पर राइट वाले क्लिक करना है, राइट वाले। और चाहते कि कहीं बीच में काटे तो बीच के लिए ये 3 नंबर वाले हैं, तो ये आप लोग को बहुत ही इम्पोर्टेंट सेटिंग है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा वॉच करके देखना क्योंकि आप लोग भूल ना जाए। तो मैं अब इस वीडियो में थोड़ा सा लाइटिंग कहाँ से लाऊंगा जो अपना वीडियो को अट्रैक्टिव और फुल HD बनाए, जो हमारे वीडियो पर ऑडियंस रुके और वीडियो को पूरा फुल देखे। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इस वीडियो पर क्लिक करना है और यहाँ पर ऊपर जलना है और यहाँ पर इसको ऐसे करना है और 3 नंबर वाले पे इस पर क्लिक करना है और नीचे जाते हैं और इस पर क्लिक कर देना है, सॉरी ये बेसिक वाले पे क्लिक करना है और बेसिक वाले पर ये है B07 है, इस पर क्लिक करना है। और देख सकते हो कि वीडियो में थोड़ा सा लाइटिंग आ गया मगर काफ़ी ज़्यादा ही मेरे वीडियो में लाइटिंग है, तो यहाँ से इसको कम कर देना है, 18 पर कर दिया हूँ।
और थोड़ा सा और इसमें लाइटिंग लाना, थोड़ा सा ही और, जो मेरा वीडियो अट्रैक्टिव बन चुके। यहाँ से इस पर क्लिक करना है और इसको थोड़ा सा बढ़ा देना है, अपने वीडियो के हिसाब से ही बढ़ाना है, जो आपका वीडियो देखने में ख़राब ना हो, ऐसे ही आपको बढ़ाना है। और मैं इस वीडियो को साइड में जो है थोड़ा सा ब्लर रखना चाहता हूँ, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए इसी लेयर पर क्लिक करना है और नीचे इसको साइड को क्लिक करना है और यहाँ पे ये वाले सेटिंग है ना इसको ऑन कर देना है। और ऑन करते ही आप लोग देख सकते हो कि साइड में थोड़ा सा ब्लर आ चुका है। अब इसके लिए मुझे अब इस वीडियो को थोड़ा सा लाइटिंग आ चुका है, अब इसको क्या करना है, अब इसमें जो है वॉइस जो है इसको कोई वॉइस को पतला बनाना होगा, कुछ करना होगा, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसी को लेयर पर क्लिक करना है और वॉइस वाले आइकन पे आपको क्लिक करना है, यहाँ पे वॉइस चेंजिंग वाले पे चेंजिंग पर क्लिक करना है। और वॉइस चेंज करने के लिए कोई भी यहाँ पे बहुत सारा आवाज़ दिया है, मैं कुछ प्ले करके आप लोगों को दिखाता हूँ, चलो दिखाता हूँ आप लोगों का। दोस्तों आज की वीडियो में बताने वाले आप लोगों को ग्रैंड मास्टर के अंदर VFX वीडियो और एक बहुत सारा वीडियो है जो आप लोगों को देखने को मिलता है, अपने वीडियो को वॉइस की जैसे ही आपको बदलना है। और इस वीडियो में आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि जो इस साइड में जो चाबी वाले आइकन रहता है उस चाबी वाले आइकन को क्या काम होता है। तो चाबी वाले आइकन आपको एक ही काम आ सकता है, वो क्या इस वीडियो में पूरा बताने वाला हूँ। तो उसके लिए यहाँ पे कोई टैक्स आपको लिखना पड़ेगा, टैक्स जो भी हम आपको बताने के लिए कुछ भी लिख देता हूँ और इसको ओके कर देता हूँ। जब टैक्स लिखते हैं ये आपको चाबी वाले आइकन मिल जाता है और चाबी वाले आइकन को ये काम होता है कि आप इस टैक्स को इस चाबी के मदद से आपको कहीं भी ले जा सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ से ऐसे कर दिया और प्ले करके दिखाता हूँ ये जो अक्षर है कहाँ कहाँ जाता है। दोस्तों आज की वीडियो में बताने वाले आप लोगों को ग्रैंड मास्टर के अंदर VFX वीडियो और A to Z वीडियो एडिटिंग कैसे सिखाऊं। ये जो है VFX वीडियो की एडिटिंग के लिए ये वाला जो है चाबी वाला आइकन बनाया गया है। और आप लोग के लिए जैसे कि मैं कोई लेटर लिखूंगा और मैं क्या ऐसा होगा और आप लोग चाहते हैं कि कैन मास्टर के अंदर ही वॉइस को हम ओवर करें, तो इसके लिए यहाँ पे क्लिक करना है और वॉइस को आप यहाँ से रिकॉर्ड भी कर सकते हो। और आप इसमें कोई फ़ोटो यूज करना चाहते हो तो फ़ोटो कहाँ से यूज करना है, यहाँ पे इस लेयर वाले क्लिक करना है और यहाँ पे इस पर करना है और आप गैलरी से फ़ोटो यूज कर सकते हो। कोई भी आपको प्राइवेट चीज़ हो, जैसे कि फ़ोटो ही प्राइवेट है, जैसे कि कोई पासपोर्ट है, फ़ोटो है, आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, उसके लिए वीडियो में छुपाना है बट मुझे दिखाना भी है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे कि यहाँ इस लेयर वाले पर क्लिक करना है और FX पे क्लिक करना है और इस पर क्लिक कर देना है और यहाँ पे इसको क्लिक करना है, तो ये कोई फ़ोटो को छुपाने के लिए करना है। और इसको ज़्यादा भी हो सकता है यहाँ पर सेटिंग करने का, यहाँ से ज़्यादा ब्लर कर सकते हो। तो ये रहा फ़ोटो के लिए। और अब कोई पासपोर्ट जैसे कि है, कोई लिखावट का चीज़, तो उसको लिए छुपाने की भी ज़रूरत है, तो फिर उसी पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक करके इस वाले आइकन पर क्लिक करना, जो ये है जो लेटर के लिए, माने कोई पासपोर्ट हो गया, कोई अक्षर लिखा हुआ है इम्पोर्टेंट चीज़ उसके लिए है और आप सेट कर सकते हो और आराम से रह सकते हो। और चाहते कि आप लोग म्यूजिक बैकग्राउंड में सेट करें तो वो कहाँ से होगा, यहाँ पर ऑडियो वाले पर सिलेक्ट करना है और यहाँ पे सॉन्ग पे कर लेना है और आपको नो कॉपीराइट का ऑप्शन दिखाता है, तो नो कॉपीराइट माने हम डाउनलोड करके रखे हैं और आप वहाँ से कर लीजिएगा। जैसे कि मैं कोई है तो इसको डाउनलोड ऐसे कर लिया, यहाँ पे सिलेक्ट हो चुका है। और इसको साउंड थोड़ा सा कम कर देना है आपको, जो बैकग्राउंड में ही चल सके। और इसको प्ले करके आप लोगों को दिखाता हूँ मैं। दोस्तों आज की वीडियो में बताने वाले आप लोगों को ग्रैंड मास्टर, जैसे कि बैकग्राउंड में बज चुका है। और आप लोग का एक ही डाउट जरूर होगा कि मेरे ग्रैंड मास्टर के अंदर आप लोग वाटर मार्क देख सकते हो, मगर जो आप अभी वीडियो देख रहे हैं उसमें वाटर मार्क है नहीं है, मगर हम आप लोग को कैसे कर सकता हूँ कि वाटर मार्क हटाने के लिए। और अगली वीडियो में आप लोगों का ऐसा वीडियो लेकर आऊँगा जो इसमें ग्रैंड मास्टर का वाटर मार्क हटाना पड़ेगा, तो
तो अगली वीडियो के लिए, मगर ये थोड़ा सा लंबा वीडियो हो जाएगा इसीलिए इस वीडियो में नहीं बता पाऊँगा। और इस वीडियो से आप लोग बहुत कुछ सीख पाए होंगे और क्या क्या नहीं सीख पाएंगे। और आप लोग एक और बात बताना चाहता हूँ, इस पर क्लिक करना है और यहाँ से आप कैमरा शूट भी कर सकते हो, कोई भी फोटो आपका ज़रूरत है तो यहाँ से क्लिक भी कर सकता हूँ। और चाहते हो कुछ भी आप यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हो, ऑनलाइन भी कर सकते हो। यहाँ से करना है और स्टिकर वाले पर क्लिक करना है, और स्टिकर वाले पर यहाँ पर हमारे पास नेट नहीं है, नहीं तो आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलता और टेम्पोररी के लिए यहाँ पर बहुत सारा है। फिर यहाँ से क्लिक करना है और कोई भी घेरा उड़ा लगाना है तो आपको घेरा वाले पर थोड़ा सा मोटा कर लेना है और घेरा लगा लेना है। जैसे कि कोई स्क्रीन रिकॉर्डिंग में आप कुछ बता रहे हो तो इसके लिए ये काम आता है। और आप मिटा भी सकते हो, इस वाले पर कीजिए और मिटा लीजिए ऐसे ऐसे करके। तो आपको यहाँ पर हर चीज़ मिलता है अपने वीडियो को प्रोफेशनल बनाने के लिए। तो हो गाइस, आप लोग इस वीडियो से बहुत कुछ सीखे होंगे, तो इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना।